हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर कितने तरह का होता है, कितने कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर चार कैटेगरीज में बटा हुआ है, और ये चारों कैटेगरीज साइज और स्पीड, कंप्यूटर का कितना साइज़ है, कितना स्पीड है, उस हिसाब से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो इस कैटेगरीज में, क्लासिफिकेशन में, हम लोग सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोगों को के ऑफिस में, स्कूल में जो भी कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, वो माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। माइक्रो कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो देखिएगा आप लोग कि इसमें लिखा हुआ भी है कि माइक्रो कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जिसमें CPU कनेक्टेड रहता है। जैसे मैं, हम लोगों का जो स्कूल का कंप्यूटर होता है, हम लोगों के घर में कंप्यूटर होता है, या कहीं पे भी आप लोग को जो भी कंप्यूटर दिखाई दे, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होता है। उस CPU में, उसके CPU में, माइक्रो कंप्यूटर्स के CPU में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में IC लगा रहता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, या उसको शॉर्टकट में हम लोग PC भी कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में किस किस तरह का कंप्यूटर आता है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, हैंडहेल्ड आता है, हैंडहेल्ड के अंदर में PC, टैबलेट PC, स्मार्टफोन्स, इन सब कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में गिना जाता है। तो जैसे मैं, डेस्कटॉप किसको कहा जाता है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होता है जो डेस्क पर रखा जा सकता है, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा आता है लैपटॉप कंप्यूटर, जिसको हम लोग लैब पर रख सकते हैं, अपने गोद में रख सकते हैं, उसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, और उसको हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं। हैंडहेल्ड, जिसको हम लोग अपने हाथ में रख के इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं टैबलेट को टैबलेट PCs भी कहा जाता है, या स्मार्टफोन, जिसमें आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में देख रहे हैं ये वीडियो, तो इसको हम लोग स्मार्टफोन कहते हैं। और ये सब, ये डिवाइस भी माइक्रो कंप्यूटर्स के कैटेगरी में आता है। अब हम लोग आगे देखेंगे मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ का होता है, वो उससे फास्ट भी होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। ये कब मिनी कंप्यूटर्स को बनाया गया था, तो मिनी कंप्यूटर्स को 1960 से यूज़ करना शुरू किया गया था। ये पावरफुल होता है, यहाँ थर्ड लाइन में ये बात लिखा हुआ है कि मिनी कंप्यूटर जो है वो पावरफुल होता है, और ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, और इसमें ज़्यादा यूज़र्स एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं, उसको मिनी कंप्यूटर कैटेगरी में गिना जाता है, है ना। और मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज सर्वर भी कहा जाता है, मींस इसको सर्वर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर उसको कहा जाता है जो मदर कंप्यूटर होता है, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहते हैं, मिड रेंज सर्वर कहा जाता है इसको। ये बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं होता है, जैसे में हम लोग आगे देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे थोड़ा महंगा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर सस्ता होता है, तो इसलिए इसको मिड रेंज सर्वर कहा जाता है, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को अब देखना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यहाँ फिगर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है साइज़ का। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ भी है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ह्यूज कंप्यूटर दैट कैन ऑक्यूपाई एन एंटायर रूम और इवन ए होल फ्लोर। मीन्स वो एक पूरे रूम के साइज़ का भी हो सकता है, हो सकता है कि वो पूरे फ्लोर के साइज़ का भी हो, है ना। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं, और जिस जगह पर बैठ के वो सारे यूज़र्स बैठ के जिस जगह पर काम करते हैं, उस जगह को टर्मिनल कहा जाता है। जिस जगह पर वो यूज़र बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसको टर्मिनल भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि उस टर्मिनल पे कीबोर्ड और स्क्रीन कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ, ताकि वो यूज़र जो है उस पर बैठ के उस पर काम कर सके, है ना। अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में दो तरीके का टर्मिनल भी होता है। एक होता है डंप टर्मिनल, एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो डंप टर्मिनल में क्या होता है कि कीबोर्ड और स्क्रीन के साथ CPU नहीं कनेक्टेड रहता है, मीन्स वो स्टोरेज नहीं कर पाता है। और इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है, उसमें कीबोर्ड स्क्रीन के साथ CPU भी कनेक्टेड रहता है, जिसमें वो सारे डेटाज को सेव करके रखा भी जा सकता है, है ना। तो वो सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, बहुत सारे यूज़र्स बैठ के काम कर सकते हैं उसको उस पर, और वही कीबोर्ड और स्क्रीन की मदद से वो सारे यूज़र्स इनपुट और आउटपुट भी कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एंटरप्राइज सर्वर भी कहा जाता है, इसको कंपनीज में यूज़ किया जाता है सर्वर के रूप में, इसलिए उसको एंटरप्राइज सर्वर कहा जाता है।
आगे हम लोग देखेंगे सुपर कंप्यूटर, जो सबसे आखिरी कैटेगरी में सबसे लास्ट कंप्यूटर है और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा ज़्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि इसमें एक सीपीयू नहीं कनेक्टेड रहता है, इसमें बहुत सारे सीपीयू पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है थर्ड लाइन में कि ए सुपर कंप्यूटर यूजेस मल्टीपल सीपीयू टू वर्क ऑन ए प्रोग्राम प्रॉब्लम्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसमें बहुत सारे सीपीयूज एक दूसरे में कनेक्टेड रहते हैं पैरेलली, उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, और ये सारे सीपीयूज वन बाय वन काम करते हैं एक ही प्रोग्राम पे वर्क करने के लिए, और इसलिए सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कैलकुलेशन करवाना है कोई चीज़ पे, तो ये सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए। किस तरीके का कैलकुलेशन, तो जैसे आप लोग देखेंगे वेदर के बारे में जानकारी लेने के लिए ये कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्लाइमेट रिसर्च के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, है ना, एरोप्लेन का स्पीड, उन सब चीज़ को पता करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के बारे में, रिसर्च में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है, और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और एक प्रोग्राम पे बहुत सारे सीपीयूज के मदद से उस पर प्रोसेसिंग कराया जाता है, इसलिए उसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। बट ये सुपर कंप्यूटर कहीं पे आपको कहीं दुकान पे आप लोग नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स को ख़रीदा नहीं जाता है, सुपर कंप्यूटर को अपने काम के मुताबिक बनाया जाता है। वो सारे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट लोग उस कंप्यूटर को बनाते हैं खुद से अपने काम के मुताबिक, जो भी प्रोग्राम पे उन लोगों को काम करना रहता है उस हिसाब से सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। तो ये सारे चार तरीके का कंप्यूटर, चार कैटेगरीज में बटा हुआ कंप्यूटर था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज का टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, बाय।